हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स क्विज लर्निंग। ये वीडियो है हिंदी साहित्य के जो मल्टीपल्स क्वेश्चन है उसके बारे में। ये वीडियो फर्स्ट हो गया, सौंदर्योपासक किसकी रचना है? ये रचना है सौंदर्योपासक है ब्रज नंदन साहि की रचना है। दूसरा हो गया ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है, ये किसका कथन है? ये ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर हो गया सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। 60 वर्ष 1 रेखांकन किसकी आत्मकथा है? 60 वर्ष 1 रेखांकन आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की। आंसर बी हो गया इसका राइट। हिंदी पत्रात्मक प्रवृत्ति का पहला उपन्यास है? ए हो गया चंद हसीनों का खतूत, बी बुधवार की बेटी, सी समाज की बेदी पर, डी रूपरेखा। तो इसका राइट आंसर हो गया ए चंद हसीनों का खतूत है राइट आंसर। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचता हैं? इसके रचता हैं श्याम नारायण पांडे हैं। आंसर बी हो गया इसका राइट। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? पुष्प की अभिलाषा कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। आंसर ए हो गया राइट। ताई किसकी कहानी है? ए हो गया प्रेमचंद, बी शिव पूजन साहे, सी गुलेरी, डी कौशिक। राइट आंसर हो गया कौशिक की कहानी है ताई। आदर्शनोमुखी यथार्थवाद सूत्र किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद, डी निराली है। ए रामचंद्र शुक्ल का है, सॉरी ये इसका राइट आंसर है ये वो है प्रेमचंद का है आदर्शनोमुख यथार्थवाद। राइट आंसर हो गया सी, ये नहीं है बल्कि रामचंद ये प्रेमचंद है आदर्शनोमुख यथार्थवाद सूत्र है प्रेमचंद का। आंसर हो गया सी। नारी सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है किसका वाक्य है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी निराला, सी महादेवी, डी महादेवी वर्मा। तो ये है इसका राइट आंसर हो गया बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। हिम तरंगणी का किसका काव्य संग्रह है? इसका राइट आंसर हो गया दसों का ए राजकुमार वर्मा का है। इस जन्म में तो कोई आसानी है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झूठा पहनना और मोटा झूठा खाना और मर्जात के साथ रहना चाहते हैं, वो अभी नहीं सत्ता। किस उपन्यास का वाक्य है? ए प्रेमाश्रम, बी गोदान, सी रंगभूमि, डी कर्मभूमि। तो इसका राइट आंसर हो गया 11 का बी गोदान की पंक्ति है ये वाक्य गोदान का है। आंसर बी हो गया। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना किस कवि की पंक्ति है? ये हो गया पंत, बी सिरदार पाठक, सी निराला, डी प्रसाद। आंसर हो गया इसका ये पंत की पंक्ति है ये। रात की उर में दिवस की चाह का सर हूँ किसकी पंक्ति है? इसका राइट आंसर हो गया 13 का बी महादेवी वर्मा की है ये पंक्ति। सिप्रा किसकी कविताओं का संग्रह है? ए रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी नरेंद्र शर्मा, सी ठाकुर प्रसाद सिंह, डी जानकी बल्लभ शास्त्री। राइट आंसर हो गया डी जानकी बल्लभ शास्त्री का कविताओं का संग्रह है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प शेष तेरी स्वयं रची किस कवि की पंक्ति है? ए प्रसाद, बी महादेव वर्मा, सी निराला, डी ये तो राइट आंसर हो गया इसका 15 का टी है निराला है, सॉरी यहाँ पे पंत हो गया ये पंत। इसका राइट आंसर हो गया निराला है। महामानव किसके जीवन पर रचित काव्य है? ए कृष्ण, बी राम, सी बुद्ध, डी गांधी। इसका राइट आंसर हो गया गांधी के जीवन पर रचित महामानव जो प्रबंध काव्य है गांधी जी के जीवन पर रचित काव्य है ये। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, किस रचना को मिला था? ए हो गया निराला की साहित्य साधना, बी अर्धनारीश्वर, सी हिमतरंगणी, डी कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो गया 17 का सी हिमतरंगणी पर मिला था। चांद का मोह टीड़ा संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए हो गया 1961, बी 1963, सी 1964, डी 1965। राइट आंसर हो गया इसका 1964 में मिला था।
सॉरी प्रकाशित हुआ था 1964 में। चकमक की चिंगारियां किसकी कविता है? ये है 1900 का राइट आंसर हो गया बी, मुक्तिबोध की कविता है ये। फूल नहीं रंग बोलते किसका कविता संग्रह है ये? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रंजे रांगो, डी सुमन। राइट आंसर हो गया इसका केदारनाथ अग्रवाल का है ये, बी हो गया राइट आंसर। जनता मुझसे पूछ रही है कि क्या बतलाऊं, मैं तो साफ सब कुछ साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, किसकी पंक्ति है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन, सी राम विलास शर्मा, डी नागार्जुन। तो ये पंक्ति हो गई नागार्जुन के, आंसर डी हो गया इसका राइट। गीत फरोश किसकी काव्य कृति है? ये हो गया भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता, सी नरेंद्र शर्मा, डी शमशेर। राइट आंसर हो गया भवानी प्रसाद मिश्र के, ये हो गया। असाध्य वीणा किस संग्रह की कविता है? ए इत्यलम, बी इंद्रधनुष रौंदे, ये सी बाबरी अहेरी, डी आंगन के पार दस बार। तो इसका राइट आंसर हो गया 23 नंबर डी आंगन के पार दस द्वार। असाध्य वीणा किस संग्रह की कविता ये है? आंगन के पार दस द्वार संग्रह की कविता है। 1937 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन थे? ये हो गया श्रीपाद अमेटरांगे, बी प्रेमचंद, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो गया बी प्रेमचंद थे पहले सभापति प्रगति लेखक संघ के। अमन के राग कविता की रचना करा है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शमशेर, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी नरेश मेहता। राइट आंसर हो गया इसका 25 का बी शमशेर है। कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है? ए हो गया नरेश मेहता, बी धर्मवीर भारती, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी कुंवर नारायण। 26 का राइट आंसर हो गया बी धर्मवीर भारती की है कनुप्रिया। रामदास की हत्या किसकी कविता है? ए नागार्जुन, बी रामविलास शर्मा, सी रघुवीर साय, डी विजय देव नारायण साई। राइट आंसर हो गया 27 का सी रघुवीर साय की कविता है ये। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? ए गिरजा कुमार माथुर, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी रघुवीर साय, डी प्रभाकर मासवी। राइट आंसर हो गया इसका 28 का ये है गिरजा कुमार माथुर की है। दो पंक्तियों के बीच किसका काव्य संग्रह? ए मंगलेश डबराल, डबराल, सी राजेश जोशी, सी अरुण कमल, डी ज्ञानेन्द्रपति। तो इसका राइट आंसर हो गया 29 का बी राजेश जोशी की का काव्य संग्रह है ये दो पंक्तियों के बीच। अनाम स्वामी किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जैनेन्द्र, सी चतुर्सेन साधनी, डी यशपाल। 30 का राइट आंसर हो गया जैनेन्द्र की कविता है ये, आंसर हो गया बी। गांधी का अफ्रीका प्रवास काल पर रचित उपन्यास है? ए कसम, बी जुगलबंदी, सी पहला गिरमटिया, डी यातनागर। राइट आंसर हो गया इसका 31 का ये हो गया पहला गिरमटिया था गांधी के जी के अफ्रीका प्रवास काल पर रचित उपन्यास था ये। मछुआरों के जीवन पर रचित नागार्जुन का उपन्यास है? ए बल चन्नम्मा, बाबा बटेसरनाथ, बी वरुण के बेटे, सी डी रतिनाथ की चाची। राइट आंसर हो गया वरुण के बेटे 35 का सी हो गया राइट आंसर। पुरुवन दहन नाटक किसकी रचना है? ए बद्रीनाथ भट्ट की, बी सुदर्शन की, सी ब्रजनंदन साई की, डी कौशिक की। राइट आंसर हो गया ए बद्रीनाथ भट्ट की रचना है ये। अश्वघोष के सौर सुंदर नंद पर आधारित मोहन राकेश का नाटक है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों के राजंश, सी रात बीतने तक, डी छत्रियां। राइट आंसर हुआ इसका बी लहरों के राजंश है ये अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित नाटक। न्याय की रात नाटककार के रचनाकार हैं? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, डी विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो गया चंद्रगुप्त विद्यालंकार है न्याय की एक रात नाटक के नाटक न्याय की एक रात नाटक के रचनाकार। उसके बाद हो गया वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है? एक मुझे चांद चाहिए, बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, सी लेकिन दरवाज़ा, डी कलिकथा। राइट आंसर हो गया दीवार में एक लड़की रहती थी,
वर्षा वशिष्ठ दीवार में एक लड़की रहती थी उपन्यास की नायिका है। नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से माना जाता है? ए रोज, बी कुत्ते की मौत, सी परिंदे, डी लंदन की एक रात। 37 का राइट आंसर हो गया सी परिंदे से मानी जाती है नई कहानी की शुरुआत। उसके बाद हो गया सेवाग्राम की डायरी किसकी है? सेवाग्राम की डायरी है ए धीरेन्द्र वर्मा, बी रंजय राघव, सी घनश्याम दास बिरला, डी मधुरेश। राइट आंसर हो गया 38 का बी रंजय राघव की डायरी है सेवाग्राम डायरी रंजय राघव की है। छायावाद का पतन पुस्तक किसने लिखी? ए अजय, बी रामविलास शर्मा, डी देवराज, सी देवराज, डी इंद्रनाथ मदान। ये लिखी थी देवराज ने लिखी थी छायावाद का पतन पुस्तक देवराज ने लिखी थी। आंसर हो गया सी। ठलवा क्लब किसका निबंध संग्रह? ए गुलाब राय, बी पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, सी गुलेरी, डी रघुवीर सिंह। राइट आंसर हो गया गुलाब राय की निबंध है ये ठलवा क्लब। तो राइट आंसर हो गया ए। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसने यह निबंध लिखा? ए साई, बी नामवर सिंह, सी लक्ष्मीकांत वर्मा, डी रमेश चंद्र शाह। राइट आंसर हो गया ए साई ने लिखा था ये निबंध। नटरंग पत्रिका के संपादक हैं? ए नामवर सिंह, बी नेमी चंद्र जैन, सी गिरजा कुमार माथुर, डी हबीब तनवीर। राइट आंसर हो गया नेमी चंद्र जैन है नटरंग पत्रिका के संपादक। भारतीय जननाट्य संघ की स्थापना वर्ष है? ए 1945, बी 1942, सी 1959, डी 1955। इसका राइट आंसर हो गया भारतीय जो जननाट्य संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1942 को। राइट आंसर हो गया बी। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ए सर गिरडसन ने, बी राव संकीर्तन, सी मिश्र बंधु, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कहा था सिद्ध सामंत काल का था 44 का बी हो गया ये हो गया राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ए 1836, बी 1816, सी 1826, डी 1846। तो ये राइट आंसर हो गया 1826 को हुआ था उदंत मार्तंड प्रकाशित। ये युगल किशोर ने किया था इसको, युगल किशोर संपादक थे उसकी। तो राइट आंसर हो गया 45 का सी। प्रजाहितेशी पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? ए बनारस, बी लखनऊ, सी मेरा, डी आगरा। राइट आंसर हो गया इसका आगरा से हुआ था इसका प्रकाशन। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता? ए सी लाला श्रीनिवास निवास दास, बी राधा कृष्णन दास, सी अंबिका दत्त व्यास, डी भारतेंदु। 47 का राइट आंसर हो गया ई लाला श्रीनिवास दास हैं संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता। राइट आंसर हो गया ई। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? ये सदल मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु। 48 का राइट आंसर हो गया पी बद्री नारायण चौधरी की रचना है कश्मीर कुसुम। जानकी मंगल नाटक के रचयिता हैं? ए पंडित बंसीधर, बी शीतला प्रसाद त्रिपाठी, सी हो गया अंबिका दत्त व्यास, डी हो गया बद्री नारायण चौधरी। राइट आंसर हो गया इसका जानकी मंगल नाटक के रचयिता हैं पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी। राइट आंसर बी हो गया। सतह से उड़ता आदमी की विधा है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी यात्रा वृत्त, डी सस्मृत। तो ये राइट आंसर हो गया बी कहानी की है विधाई। तो फ्रेंड ये हो गया हिंदी साहित्य के
बहुविकल प्रिय प्रश्न हो गए ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।